बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हमने एक बंदा काबू किया है। मैं पहले क्लियर कर दूँ आप लोगों की, इन्होंने इनके कहने पर हम फेस ब्लर कर रहे हैं, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। हर बंदे की प्राइवेसी होती है अपनी। मेरे साथ उमर साहब हैं, वीज़ा इनका ही लगा, वीज़ा इनकी मदर का लगा है, राइट। आप जिलम से बिलोंग करते हैं, ये किसी काम से आए हुए थे तो हमने इनको पकड़ लिया। भैया आप इंटरव्यू दे, हमें आपके डॉक्यूमेंट्स लेने वापस आए हुए थे यहाँ से, और ये बताएंगे भी आप लोगों खुद। तो मैं इनकी जबान सुनते जी क्या कहते हैं, मतलब कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए। सर बताए सक्सेस स्टोरी, आपने नायल को कहाँ से मतलब पकड़ा, कहाँ से ढूंढा नायल को, क्या स्टोरी है? ये तकरीबन एक साल पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जब आप बता रहे थे कि यूके में हम इस तरह अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनकी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। आप मैं मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि जो आपने बताया था कि लोगों के अकाउंट में 50-50 लाख यानी 1-1 करोड़ भी पड़ा होता है, मगर उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो सेम केस हमारा भी था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपसे रब्ता किया, आपने हमें गाइड किया, कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ थी उनका रेंट आ रहा था, आपने फिर हमें गाइड किया कि आप इनके रेंटल बनवाएं, इतने रेंटल एग्रीमेंट बनाए, फिर आपने हमारी स्टेटमेंट कुछ 5-6 महीने की बनवाई हमसे, तो प्रॉपर गाइड किया, प्रॉपर गाइड किया आपको। किसकी वजह लगे मदर का? पहले काम रिफ्यूजल था को पहले पहले उनका तकरीबन 10-11 साल पहले उनका रिफ्यूजल आया था यूके का। आपके यूके में आपके वाले सभी लीगल बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जब आपने अप्रोच किया हमें, तो फाइल प्रोसेसिंग में यहाँ पे क्या कोई इश्यूज फेस करना पड़ा हमारे ऑफिस के अंदर, स्टाफ सब क्या आपका रवैया था, कैसा रवैया था? स्टाफ आपका बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और गाइड बहुत अच्छा किया। बस ये है कि बस आपकी उस टाइम ऑफिस भी शिफ्ट हो रहा था तो फाइल को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो बाकी तो स्टाफ आपने बहुत कोऑपरेट किया। जब आपने फाइल सबमिट की ऑफिस में, आपने खुद चेक किया, आपने प्रॉपर चेक किया फाइल शाइल? बिल्कुल, वो मैम हुमैरा की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने एक एक डॉक मुझे सेंड करती, मैं उनको वेरीफाई करता, अगर कोई इसमें मिस्टेक होती हम दोनों आपस में डिस्कस करके उसको ठीक करते, तब हम फॉरवर्ड प्रोसीड करते। बिल्कुल, बहुत आप प्रोफेशनल। तकरीबन 1 मंथ हो गया जी। जी वो तो अभी उधर 1 मंथ उनको उधर गए हुए भी हो गए जी। आप क्या कहेंगे नायल के बारे में, नायल सुनने वाला हूँ, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आप बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर किसी का इस तरह का केस है तो आप ज़रूर वो आपसे रब्ता करें, आप अच्छी तरह की मदद करेंगे। मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू वेरी मच, हमारे ऑफिस आए आप, आपने खुद इंटरव्यू दिया आज, मुझे खबर मिली कि आप बाहर बैठे हुए जी डॉक्यूमेंट ले लें, मैं को बुलाए उनको, ताकि हम लोग, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे जो मोस्टली क्लाइंट इस्लामाबाद से बाहर के हैं, तो वो उनका आना, उनका वीज़ा अप्रूव होता है, वो पासपोर्ट लेके वहीं से निकल जाते हैं, कुछ बताते भी नहीं है। तो जिन लोगों की जो ऑफिस आते हैं उनकी मेहरबानी, बता देते हैं। और मैं अगेन ये कहूँगा कि अल्लाह पाक का फजल व करम, हमारे पास जो यूके की एक्सपर्टीज़ है, जो हमारे मेरे दो स्टाफ मेरे एक्सपर्ट यूके के हैं, वंडरफुल एक्सपर्टीज़ है उनकी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि यूके के तरीक़ेकार बाकी कंट्री से डिफरेंट है। जैसे बताया आपने उमर ने कि डिफरेंट, हमने इसकी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, हमने अप्रोच किया उनको, हमने काफ़ी तंग भी किया, सवाल जवाब कहते रहे इनको, अल्लाह पाक फजल करम इनकी मदर, बल्कि बता रहे हैं चली भी गई है मदर इनकी, अल्लाह पाक उनको कामयाबी तो फरमाए, और सब देखने वालों को जो जिन लोगों ने अप्लाई किया अल्लाह पाक उनको भी कामयाबी तो फरमाए। नेक्स्ट पीढ़ी तक हमारा ख्याल, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।